रोहड़ी से खबर शामिल करते हैं जहां पर रोहड़ी के नवाही इलाके संग्रार ऐसी पुरस्कार तौर पर लापता होने वाली हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली आठ साल प्रिया कुमारी का एक साल गुजरने के बावजूद कोई सुराग न मिल सका गुजश्ता साल दस मुहर्रम को घर के बाहर मुहर्रम मुहरम के मौका पर लगाई गई पानी की सबेल से प्रिया कुमारी पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी पुलिस की रवायती सुस्त रवि और नाकाम कोशिशों से प्रिया कुमारी के अहले खाना को न सिर्फ सख्त मायूसी का सामना है बल्कि प्रिया कुमारी की एक साल के बावजूद कोई सुराग न मिलने पर अहले इलाका भी अहले इलाका में भी दुख और मायूसी पाई जाती है दूसरी जानी सिंध पुलिस सुबाई हकूमत और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब ऐसी उठाए गए इकदामों प्रिया कुमारी की बाजियाबिया या उसका सुराग लगाने में प्रिया कुमारी की गुमशिदगी के हवाले ऐसी तमाम शवाहिदों तहकी बच्ची के लिए आला सतह कमेटी के क्या के बावजूद एक साल गुजरने के बावजूद प्रिया कुमारी के हवाले ऐसी तश्ल है प्रिया कुमारी अगवा हुई या किसी दुश्मन की भीड़ चढ़ गई या किसी दरिंदा से शख्स के हवस का शिकार हुई पुलिस इस हवाले से किसी भी नतीजे पर भी नहीं पहुँच सकी है दूसरी जानब आरोप तौर पर तो लापता प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए पुलिस की नाकामी और मायूस कन्द कारदगी आरोप अहल खाना में इंतहाई मायूसी पाई जाती है और प्रिया कुमारी के घर में आज भी शोक वाली सूरत हाल है और उसके वाले आज भी उसके जिंदा और सही सलामत वापसी के मुंतजिर हैं जबकि मायूस खानदान का ये भी शिकवा है कि पुलिस हसपे रवायत बार बार हमारे ही घर की तलाशी और हमसे ही तफ्तीश का सिलसिला मुसलसल जारी रखे हुए है जिसकी वजह से हमारे दुखो गम में दोहरा इजाफा किया जा रहा है और पुलिस की जानब ऐसी बेटी की सही सलामत वापसी की पुलिस की जानब ऐसी कोई तसली बख्श उम्मीद भी जाहिर नहीं की जा रही प्रिया कुमारी के वाले ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वजी आजम पाकिस्तान वजीर अली सिंध आई जी सिंध और डी आई जी सखर से प्रिया कुमारी की बाजियाबी का मुतालबा किया है